बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास एस्टुराइडिया कंप्लीट की थी, तो आज हम काइनोडर्म्स की नई क्लास पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लास ऑफ यूराइडिया। क्लास ऑफ यूराइडिया, और ये आपकी जो बुक है मिनरल हार्ले, उसका 246 पेज से ये शुरू हो रहा है, क्लास ऑफ यूराइडिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले क्लास ऑफ यूराइडिया का इंट्रोडक्शन हम देंगे, उसके बाद उसकी बॉडी फॉर्म, फिर मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन में आप लोग जानते हैं कि उसमें बॉडी सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीजनरेशन, और लास्ट में फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं जी क्लास ऑफ यूराइडिया। क्लास ऑफ यूराइडिया के जो मेंबर हैं, दे आर रिलेटेड टू द स्टार फिश, दीज आर रिलेटेड टू स्टार फिश, और इसकी एग्जांपल्स में ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार शामिल है। इनकी रिजेंबलेंस जो है वो स्टार फिश से है, तो इसीलिए उनका नाम भी उसी तरह का है, ब्रिटल स्टार एंड बास्केट स्टार। मूवमेंट के वाले से जो यूराइडिया के मेंबर हैं, दीज क्रॉल अक्रॉस द सी फ्लोर बाई यूजिंग देयर फ्लेक्सीबल आर्म। इनके जो आर्म्स हैं वो फ्लेक्सीबल होते हैं, जिनके थ्रू ये सी फ्लोर पे क्रॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं। और इस टाइम जो इनकी लिविंग स्पीशीज़ हैं, दे आर 2000 लिविंग स्पीशीज़ एंड 1200 ऑफ दीज स्पीशीज़ दीज आर फाउंड इन डीप वाटर। यानी ये सी फ्लोर पे इनके मेंबर प्रेजेंट होते हैं, डेप्थ डवेलर हैं ये। और अकबर ने बताया कि 2000 की टोटल लिविंग स्पीशीज़ हैं, उनमें से जो 1200 स्पीशीज़ हैं दीज आर प्रेजेंट इन डीप वाटर, और वो जो डीप वाटर है दैट इज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर डेप्थ, ग्रेटर दैन 200 मीटर डेप्थ। ठीक है, तो ऑफ यूराइडिया में ये देखिएगा, दिस वन इज़ द ब्रिटल स्टार। ये जब हमने क्लासिफिकेशन की थी लेक्चर नंबर 3 में काइनोडर्म्स की, तब भी हमने इसको देखा था, तो ये ब्रिटल स्टार है। आप देख सकते हो इसकी जो शेप है, दैट डिजेंबल विद दैट ऑफ स्टार फिश। जैसे इसकी ये देखें आप, ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, तो साथ इसके आर्म्स निकल रहे हैं सेंट्रल डिस्क से, स्टार फिश की तरह के इसके आर्म हैं, लेकिन आर्म्स की साइज़ में फ़र्क है। ठीक है, ब्रिटल स्टार एंड दिस वन इज़ द बास्केट स्टार। ये बास्केट स्टार है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ यूराइडिया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी बॉडी फॉर्म की, तो जो ऑफ यूराइडिया के मेंबर्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स द पेंटर रेडियल सिमेट्री। ये आप देखें, जैसे यहाँ पे ये ब्रिटल स्टार है, तो ये क्लियर आपको इसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री नज़र आ रही है, ये देखें। ठीक है, आम के तो दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स द पेंटा रेडियल सिमेट्री एंड बॉडी आउटलाइन दैट इज सिमिलर दैट ऑफ स्टार फिश, बट ऑफ यूराइडिया हैव सेंट्रल डिस्क विच इज़ शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम आर्म्स। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये देखिएगा, ये ब्रिटल स्टार और स्टार फिश में काफ़ी रिजेंबलेंस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो ब्रिटल स्टार है उसकी जो सेंट्रल डिस्क है वहाँ से आर्म बड़े शार्पली अराइज हो रहे हैं, जबकि स्टार फिश आप लोगों ने देखी थी, स्टार फिश में जो आर्म्स होते हैं वो थोड़े ज़रा थिक होते हैं। तो फर्दर दे हैव रिड्यूस्ड सिलोम। सिलोम जो है वो एस्टेरॉइडिया के मेंबर की निस्बत ऑफ यूराइडिया में जो सिलोम है दैट इज़ रिड्यूस्ड, एंड डर्मल ब्रेंकी एंड पेडिसिलरी। डर्मल ब्रेंकी आपने पढ़ा था, इसका गैस एक्सचेंज में रोल है, और पेडिसिलरी जिसका इंजेशन में रोल था, बोथ आर एब्सेंट इन दिस क्लास। देन देयर इज स्लाइड रिगार्डिंग द ट्यूब फीट। ट्यूब फीट के वाले से एम्पूली एंड सक्शन डिस्क आर एब्सेंट, एम्पूली एंड सक्शन डिस्क आर एब्सेंट, मसल्स आर अटैच विद द बेस ऑफ ट्यूब फीट, मेड्रीपोराइड जो है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस बट नॉट लोकेटेड ऑन द अपर सरफेस एज इन केस ऑफ स्टार फिश। स्टार फिश में जो मेड्रीपोराइड है वो अपर सरफेस पर प्रेजेंट है, लेकिन जो ऑफ यूराइडिया में है वो
मेडिप्राइड जो है दैट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द अपर सर्फस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो वन मेडिप्राइड जो है दैट इज़ प्रेजेंट पर आर्म, वन मेडिप्राइड पर आर्म एज इन यूरिनिना, ये एग्जाम्पल है एक इस एनिमल में वन मेडिप्राइड पर आर्म। और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ नॉट यूज फॉर द लोकोमोशन, तो फिर लोकोमोशन कैसी होती है, लोकोमोशन इनमें जो ना वो मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है। देन इज डिस्कशन अबाउट ओसिकल्स। ओसिकल्स, ओसिकल्स आपको पता है कालकेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ओरिजिनेटेड ऑन द एबोरल सर्फस एंड दीज कवर द लेटरल एंड ओरल सर्फस ऑफ ईच आर्म एंड अम्बुलेक्रल ओसिकल प्रोड्यूस अ सेंट्रल स्पॉटिव एक्सिस एंड लार्ज मसल एक्ट ऑन देम प्रोड्यूस स्नैक लाइक मूवमेंट। मूवमेंट इनमें स्नैक लाइक होती है एंड द आर्म्स पुल फॉरवर्ड और ट्रेल बिहाइंड द एनिमल। ये वर्ड लिखा हुआ है जी ट्रेल, ट्रेल कहते हैं घसीटना, आर्म्स फॉरवर्ड मूव करते हैं जिससे जो एनिमल है दैट ट्रेल। अब जी हमारे पास इसके बॉडी सिस्टम आ रहे हैं अंडर द मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन में आपको ने बताया हुआ कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को हम जो ना स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे इंजेशन एंड डाइजेशन। इंजेशन एंड डाइजेशन, इंजेशन इज़ द टेकिंग इन ऑफ फूड। तो फीडिंग हैबिटेट के वाले से ओफिरोइडिया के जो मेंबर हैं दीज आर मोस्टली प्रीडेटर्स, सम आर स्केवेंजर्स और डिट्रीवोर। मोस्टली प्रीडेटर्स हैं लेकिन कुछ मेंबर जो है ना वो स्केवेंजर्स हैं और कुछ जो है ना डिट्रीवोर्स हैं। स्केवेंजर्स आपको पता है विच गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, और स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं दे आर मूव्ड इनटू माउथ थ्रू द ट्यूब फीड इन स्वीपिंग मोशन। स्मॉल ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं वो मुँह के थ्रू ट्यूब फीड में जो ना एंटर होते हैं एंड बास्केट स्टार दीज यूज म्यूकस कोटिंग ऑन देयर आर्म्स टू ट्रैप द प्लैंकटन। अभी आपको बास्केट स्टार मैंने दिखाई थी, तो बास्केट स्टार के आर्म्स पे म्यूकस प्रेजेंट होती है जिससे वो बैक्टीरिया और प्लैंकटन को ट्रैप करती हैं। प्लैंकटन जो हैं दीज आर द फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। फ्री स्विमिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लैंकटन। तो फिर इसका मतलब है बास्केट स्टार जो है दे शो सस्पेंशन फीडिंग। बास्केट स्टार शो सस्पेंशन फीडिंग। और कुछ मेंबर इसके जो हैं दीज आर फिल्टर फीडर। तो दोबारा बात की करेंगे हम जी प्रीडेटर्स की, के मोस्टली इनके जो मेंबर्स हैं ओफिरोइडिया के वो प्रीडेटर हैं, सम आर स्केवेंजर एंड रिट्रीवर। फिर बास्केट स्टार का आपको ने बताया कि बास्केट स्टार के जो आर्म्स होते हैं उस पर म्यूकस होती है थ्रू विच दीज ट्रैप द प्लैंकटन एंड बैक्टीरिया। अब हम इसके माउथ को स्टडी करेंगे जी। माउथ जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेंट्रल डिस्क, और माउथ कंटेन फाइव ट्रैंगुलर जार्स एंड दीज जार्स आर द च्यूइंग अपरेटस। और माउथ जो है इट एक्ट बोथ फॉर इंजेशन एंड इजेशन। आपको पता है इंजेशन जो है दैट इज़ द इनटेक ऑफ फूड, इजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ फूड। तो माउथ से ही इंजेशन हो रही है और उसी से इजेशन होती है। अब ये पाथवे है जी एलिमेंट्री कैनाल का। बिहाइंड द जार्स देयर आर प्रेजेंट अ शॉर्ट एसोफेगस। आगे मैंने बताया ना माउथ में ट्रायंगुलर जार्स हैं और जार्स के पीछे एसोफेगस है। एसोफेगस जो है दैट इज़ शॉर्टर, और एसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है। एंड स्टमक वॉल कंटेन ग्लैंडुलर हेपेटिक सेल्स। स्टमक वॉल कंटेन ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मीन इट प्रोड्यूस सेक्रीशन, हेपेटिक सेल्स। एंड स्टमक कैविटी ऑक्यूपाइज मच ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ द डिस्क। और ओफिरोइडिया में जो इंटेस्टाइन है दैट इज़ एबसेंट। सिलोम हमने शुरू में बताया था आपको कि सिलोम जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड एंड सिलोम इज़ ओनली कन्फाइंड टू द सेंट्रल डिस्क एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस. सिलोम इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस. फिर एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशलाइज सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज सिलोमोसाइट्स. दीज सिलोमोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हमने डिस्कस किया उसका इंजेशन. इंजेशन के बाद आपको माउथ के बारे में बताया. माउथ के बाद जो बाकी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के उसमें एसोफेगस है और स्टमक है. फिर हमने स्टडी किया कि सिलोम इसकी जो ना रिड्यूस्ड होती है. फिर आपको रोल बताया सिलोमोसाइट्स का. सिलोमोसाइट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. देन इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के वाले से जो ऑफ्यूराइडिया है, दीज आर अमोनोटैलिक. दीज आर अमोनोटैलिक. अमोनोटैलिक मीन दे प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. ठीक है. और गैस एक्सचेंज और जो एक्सक्रीशन है दैट इज़ बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द ट्यूब फीट. गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन इज बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द ट्यूब फीट एंड बरसी. बरसी जो है ये भी आपको बताता चलो. बरसी क्या होता है जी? बरसी जो है दीज आर द सिलिया लाइंड मेम्ब्रेनस सैक. दीज आर प्रोवाइडेड विद सिलिया मेम्ब्रेनस सैक विच ओपन बिटवीन द आर्म बेसिस ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क. एंड बरसी जो है दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोवाइडेड विद द फैगोसिटिक सिलोमोसाइट्स collecting waste product in body cavity and then remove outside the body. तो जो बरसी हैं बेसिकली दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं विच प्रोवाइड द फैगोसिटिक सिलोमोसाइट्स एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड देन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट टू आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. तो ये एक्सक्रीशन थी हमारे पास. अब जी हम बात करेंगे रीजनरेशन की. रीजनरेशन की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी. रीजनरेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट. तो एस्टेरॉयडिया में स्टारफिश की हमने बात की थी. स्टारफिश में पावरफुल एबिलिटी है रीजनरेशन की. अगर हम बात करें आज ऑफ्यूराइडिया की तो ऑफ्यूराइडिया में रीजनरेशन तो होती है लेकिन उतनी रीजनरेशन नहीं है जितनी स्टारफिश में थी. रीजनरेशन बहरहाल प्रेजेंट है, रेडिली रीजनरेशन है इसमें. इन ईच लॉस्ट आर्म और इन ईच आर्म सेगमेंट एंड सम स्पीशीज जो है दे शो ऑटोटोमी सिमिलर टू दैट ऑफ लिजर्ड्स. लिजर्ड आपने देखा होगा कि लिजर्ड जो है ना उसमें जब उसको अपने प्रीडेटर से ख़तरा महसूस होता है तो वो अपने आर्म को कट कर लेती है और इस प्रोसेस को हम ऑटोटोमी कहते हैं. तो इसी तरह ब्रिटिश स्टार को भी जब अपने प्रीडेटर से कोई ख़तरा उसको महसूस होता है तो ब्रिटिश स्टार अपने आर्म को खुद ब खुद कट कर लेती है. इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहते हैं. ठीक है. इसी वजह से इसका नाम जो है ना वो ब्रिटिश स्टार रखा गया है. ठीक है. ब्रिटल मीन टू ब्रेक. ब्रिटिश स्टार ब्रेक इट्स आर्म व्हेन एक्सपोज टू प्रीडेटर. अच्छा, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि जो स्टारफिश है, स्टारफिश में जो आर्म होता है जो कट हो जाता है सेंट्रल डिस्क से, वो रीजनरेट करके कंप्लीट स्टारफिश बना देता है. लेकिन ऑफ्यूराइडिया में ऐसा नहीं होता. ये जो डिस्कार्डेड आर्म है, डिस्कार्डेड आर्म हैव नॉट शोन द एबिलिटी टू रीजनरेट. उनमें रीजनरेशन नहीं होती. ठीक है जी. तो लेकिन मेंटेनेंस सिस्टम में लास्ट पैरामीटर रह गया इसमें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. रिप्रोडक्शन के वाले से ऑफ्यूराइडिया जो है इनके मेंबर मोस्टली डाइशियस हैं एंड फ्यू स्पीशीज आर हर्मेफ्रोडाइट. ठीक है. ऑन सम स्पीशीज विच आर हर्मेफ्रोडाइट दीज आर प्रोटेंड्रिक. प्रोटेंड्रिक कहते हैं कि देखें एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट हैं. इफ़ मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेच्योर फर्स्ट देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्रिक। ऐसे इंडिविजुअल को प्रोटेंड्रिक कहते हैं और इस प्रोसेस को प्रोटेंड्री कहते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो पहले डेवलप हो जाएं, पहले मेच्योर हो जाएं, तो इस कंडीशन को प्रोटेंड्री कहते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटेंड्रिक। तो जो मेल मेंबर्स हैं, मेल जो हैं दीज आर स्मॉलर देन फीमेल, मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल विद रिस्पेक्ट टू साइज। फिर जी इनमें रिप्रोडक्शन के हवाले से जेनिटल बर्सी प्रेजेंट हैं, जेनिटल बर्सी जो हैं दीज कंटेन ग्रेनेड्स विच आर लोकेटेड इन द डिस्क एंड ओपन इन टू द पाउचेस बिटवीन द आर्म्स। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इनमें एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में आपको पता है कि जो गमीट्स हैं दे आर डिस्चार्ज इन टू द सराउंडिंग वाटर थ्रू द बर्सल सैक्स। फिर मोस्टली जो स्पीशीज हैं दीज शो ब्रूडिंग बिहेवियर, मोस्टली स्पीशीज ब्रूड एंड डिवेलप लार्वी इन बरसा गिविंग बर्थ टू यंग, सो दे आर ट्रू विविपेरस। ठीक है, विविपेरस हैं, विविपेरस आर दोज एनिमल विच गिव राइज टू बर्थ टू यंग वन। तो इनमें जो स्पीशीज हैं दे शो ब्रूडिंग बिहेवियर, ब्रूड कहते हैं यंग वंस की केयर करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया कि डाइशियस हैं लेकिन फ्यू मेंबर आर हर्मेफ्रोडाइट एंड हर्मेफ्रोडाइट आर मोस्टली प्रोटेंड्रिक, मेल आर स्मॉलर देन फीमेल, जेनिटल बर्सी प्रेजेंट हैं जिनमें जो गुनेड्स हैं दे आर लोकेटेड इन द डिस्क एंड ओपन इन टू द पाउच बिटवीन द आर्म्स। फर्टिलाइजेशन मोस्टली जो है ना वो एक्सटर्नल है एंड मोस्टली स्पीशीज शो ब्रूडिंग बिहेवियर। अच्छा जी, बट सम स्पीशीज दे डोंट ब्रूड दे आर यंग, उनमें एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आगे एक लार्वा बनता है। इसका लार्वे को जेन में रखिएगा, लार्वा नेम जो है दैट इज़ ओफियोप्लूटस लार्वा, ओफियोप्लूटियस लार्वा, और ओफियोप्लूटस लार्वा से फिर आगे इवेंचुअली दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अडल्ट। और ये जो ओफियोप्लूटस लार्वा है दैट इज़ प्लैंकटोनिक, प्लैंकटोनिक मीन फ्री स्विमिंग, प्लैंकटोनिक मीन फ्री स्विमिंग, एंड दिस लार्वी दैट इज़ प्रोवाइडेड विद फोर पेयर्स ऑफ रिजिड आर्म्स। आर्म्स पे सीलरी बैंड्स होते हैं जिसके थ्रू इनको स्विमिंग में जो ना वो हेल्प मिलती है। और इवेंचुअली फिर ये आपको मैंने बताया कि ये जो लार्वा है दैट इज़ दैट सेटल डाउन इनटू अडल्ट। ठीक है, तो दिस वन इज़ द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्लास ऑफ यूरोइडिया। ठीक है, तो ये इसको हम समराइज़ करते हैं जी। ऑफ यूरोइडिया का इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया, ऑफ यूरोइडिया में आपको बताया दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू स्टार फिश, एग्जाम्पल में इसके ब्रिटल स्टार है, बास्किट स्टार है, क्लॉरिंग मोमेंट शो करते हैं, 2000 की लिविंग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और उनमें से आपको मैंने बताया मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं दे आर बॉटम ड्वेलर, दिस वन इज़ द ब्रिटल स्टार, दिस वन इज़ द बास्किट स्टार। बॉडी फार्म के वाले से आपको बताया था कि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स पेंटारेडियल सिमेट्री, रिड्यूस सिलोम है, डर्मल ब्रैंकी एंड पेडिसलेरी आर एब्सेंट। फिर ट्यूब फीड का आपको बताया, उसमें एम्पुली और सक्शन डिस्क लैक कर रहे हैं, मेड्रीप्राइड जो है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन ओरल सर्फस बट नॉट ऑन द अपर सर्फस। वेटर वैस्कुलर सिस्टम में वन मेड्रीप्राइड है पर आर्म। ठीक है, ऑसिकल्स का आपको बताया, उसमें जो आर्म्स हैं वो पुल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मेंटेनेंस फंक्शन में हमने बात की इंजेशन डाइजेशन की, आपको मैंने बताया कि मोस्टली ये प्रीडेटर हैं, सम आर स्कैवेंजर्स और रिट्रीवर। और माउथ के वाले से, माउथ जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ डिस्क, फाइव ट्रेंगुलर जार्स प्रेजेंट हैं एंड माउथ इज़ यूज फॉर इंजेशन एंड इजेशन। फिर ये आपको ट्रैक बताया कि जो माउथ के पीछे जो ना ये एसोफेगस है, एसोफेगस के साथ आगे स्टमक है, सिलोम रिड्यूस्ड है, इंटेस्टाइन एब्सेंट है। सिलोमोसाइट का आपको बताया, सिलोमोसाइट जो है दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर एस्क्रीटरी सिस्टम की हमने बात की, एस्क्रीटरी सिस्टम के हवाले से जो फ्यूरोइडिया के मेंबर्स हैं दे प्रोड्यूस अमोनिया एज एस्क्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें एस्क्रीटरी ऑर्गन जो है दैट दीज आर द बर्सी,
फिर हमने रीजनरेशन की बात की, रीजनरेशन जो है ना वो आम में प्रेजेंट है एंड सम स्पीशीज दिस शोज ऑटोटॉमी। रिप्रोडक्शन की हमने बात की, डाइशियस हैं ये, हर्मेफ्रोडाइट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और लार्वी का नाम आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, दैट इज़ ओफियो प्लूटियस लार्वा विच मेटामॉर्फोस इनटू द अडल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे एक नई क्लास जो है ना वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।